इसके काफ़ी पत्ते ना इधर से उधर निकल गए हैं, तो सारा अच्छे से बांधना पड़ेगा मुझे दोबारा से। ये देखो पूरा बांधूंगी अभी मैं इसे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे थे ना अभी तन्नू और अंश, मेरी ननद का बेटा, तो वो आए हैं और तन्नू उसको लेकर आई है, ट्यूशन गया हुआ था और यहीं से ट्यूशन गया था आज मेरे यहाँ ही से ही। उसका ट्यूशन जो है ना वो पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो बस वहीं से उसे लेकर आई है, आज यहीं पे रुकेगा। तो देख लीजिए आ गया है और शर्मा रहा है क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है। इधर से दिखाती हूँ मैं तन्नू, तन्नू छुपी हुई है अभी तक नहीं आई क्योंकि मेरा कैमरा ऑन है, दिखाती हूँ आपको, ये देखो। और सफाई हो चुकी है दोस्तों घर की पूरी, क्लीनिंग, और टाइम दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखो 12:10 तो बाकी मेरा काम आज जल्दी निपट गया, सुबह सुबह ही ना सारा निपट चुका है अभी, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे को फिर कपड़े वगैरह भी नहीं होते हैं तो धोती नहीं हूँ मैं। इधर कंप्यूटर लगा हुआ है तो एनी डेस्क से कुशल अपने ऑफिस में कर रहा है काम, और यहाँ पर भी चालू है, वहाँ पर भी चालू है, अपना काम कर रहा हुआ है, डेटा वगैरह ले रहा है। और चलिए अभी ये दोनों बहन भाई आ चुके हैं तो इन्हें कुछ खाने को दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। आया पेपर की, अब लास्ट पेपर है ना तेरा, चला रही हूँ वहाँ, वो वाला चला ले, अरे अरे बना, वहाँ फैन तुझे ज्यादा नहीं चाहिए ना। तो अभी आई हूँ दोस्तों छत पर, और आज सुबह पानी मैं नहीं डाल पाई थी, मतलब सुबह वैसे यही डाल के जाते हैं पानी, तो सुबह मैं नहीं डाल पाई पानी ना पाई इनके साथ। अभी आई हूँ तो पौधों की हालत आप देख लो, कितनी तेज़ धूप है, और डालना भी ज़रूरी है क्योंकि शाम तक अगर मैंने छोड़ दिए तो बिल्कुल सूख जाएंगे, तो इसलिए डाल देती हूँ सब मैं पानी। और इधर काफ़ी सारा पुदीना ना बड़ा हो गया, तो ये कटिंग भी मैंने करनी थी, तो अभी तो नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस सिंपली पानी डाल कर जाऊँगी नीचे। और गुलाब देखो कितने प्यारे आए हुए हैं, और अभी गर्मियों में क्या होता है ना दोस्तों, गुलाब के जो फूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे आते हैं इस टाइम पे, फूल का साइज़ देख लो आप, छोटा आता है गुलाब का, कुछ बड़े आते हैं और कुछ बिल्कुल छोटे होते हैं। और यहाँ पे मेरा मोगरा भी देख लो कितना बड़ा हो गया है, और वो जो टमाटर का मैंने पौधा लगाया था ना, ये देखो ये रहा, ये भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो और यहाँ पे रेन लिली देख लो कितनी सारी आई हुई है, सुंदर भी लग रही है बहुत ज़्यादा। और देख लो छत, इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फटाफट से पानी डाल के नीचे जाती हूँ मैं। तो सारे पौधों में पानी डाल देती हूँ और लाइन से, और लाइन से डालती हूँ ना तो याद रहता है क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं ना, फिर लाइन से नहीं डालती ना फिर याद नहीं रहता कि किसी में रह ना गया वो पानी, और धूप इतनी तेज़ है ना तो फिर जो है ध्यान भी नहीं रहता। अगर थोड़ी छांव होती है ना शाम के टाइम पानी डालती हूँ, बिल्कुल सुबह सुबह, तो एक एक पौधा चेक भी कर लेती हूँ, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि मुझे ही जाने की जल्दी है कि जल्दी से पानी डाल के नीचे जाऊँ, तो हड़बड़ी में कुछ रह ना जाए, तो इस वजह से ना मैं लाइन से डालती जाती हूँ ताकि जो प्लांट है ना सब में डल जाए। और आज दोस्तों आपको एक खुशखबरी दूंगी मैं, वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको क्या खुशखबरी है वो, तो वो न्यूज़ देने के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है, तो आपको वो एंड में पता लगेगा, तो देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग को और बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पर दोस्तों सारे जो प्लांट्स हैं उनमें पानी डल चुका है,
और काफ़ी टाइम लग जाता है पानी डालने डालने में, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट्स हैं मेरे, और सब मैं डाल चुकी हूँ। और अब जाती हूँ नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो फिर बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है छत पर धूप में। तो देखूँगी किसी दिन शाम के टाइम पर ना, आपको वीडियो बनाकर दिखाऊँगी कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं और कौन कौन से नए प्लांट्स आ चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। और यहाँ पे मेरा मनी प्लांट देख लो आप, बिल्कुल ना इधर रस्सी यूँ बांधी हुई थी मैंने, और देखो कहाँ तक आया हुआ है। इसको मैंने और ऊपर ऐसे बांधना है, तो अभी फ़िलहाल तो छोड़ देती हूँ, कुछ लाई नहीं बांधने के लिए। सोच रही हूँ इसको ऊपर की साइड कैसे टांगू, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे वाले भी ना सारे ही मनी प्लांट बड़े हो चुके हैं जितने भी हैं। तो नीचे इंडोर प्लांट्स में पानी देना है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा ना कि वो भी सूख ही जाते हैं। ये देखो इस तरीके से ना पूरा जो ये मेरा मनी प्लांट है ना, इसके काफ़ी पत्ते ना इधर से उधर निकल गए हैं, तो सारा अच्छे से बांधना पड़ेगा मुझे दोबारा से। देखो पूरा बांधूंगी अभी मैं इसे, और अभी फ्रिज में लगाई है मैंने सब्जियां, और बॉटल एक इधर रख दी थी क्योंकि इधर आ नहीं रही थी, अब इधर ही रख देती हूँ इसे भी। और वो दोनों बैठे हैं, अंश और तान्या बैठे हैं उस रूम में, वहाँ पे वो लोग देख रहे हैं टीवी, और इधर मैं कुछ एडिटिंग का काम है वो कर लेती हूँ। अभी अपनी तरफ कैमरा करती हूँ, फिर आपसे करती हूँ बात। तो जी दोस्तों, आ गया है गुड न्यूज़ देने का टाइम। तो जो गुड न्यूज़ के लिए मैं आपको वेट करवा रही थी अपने इस पूरे व्लॉग में, उसका टाइम आ गया है देने का। तो वो गुड न्यूज़ है कि मैं जा रही हूँ सैटरडे को श्याम बाबा के यहाँ पर, और श्याम बाबा जाएंगे खाटू श्याम, और सालासर भी जाएंगे, और हो सका तो और भी कुछ जगह पर जाएंगे हम। तो और जो जहाँ भी जाएंगे जैसे भी होगा सब व्लॉग में आप देखना मत भूलिएगा, सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी और व्लॉग अपलोड कर दूँगी उसका। मंडे या ट्यूसडे व्लॉग आपको मिल जाएगा। तो अभी 2 अक्टूबर की छुट्टी आ रही है, तो फिर हमने प्लान किया कि बाबा के दर्शन करके आते हैं, सालासर भी जाते हैं, श्याम बाबा भी जाते हैं, तो हमने पूरा प्लान कर लिया था। तो बस वहीं के लिए जा रहे हैं सैटरडे को, और आज है थर्सडे, आज है मेरा पूर्णिमा का व्रत, और मंडे को भी मेरा व्रत होगा वैसे चौथ का, तो चौथ का व्रत मेरा मंडे को भी होगा, और जिस दिन हम वापसी पे होंगे उस दिन मेरा व्रत होगा, और एक आज व्रत है मेरा पूर्णिमा का, तो आज का व्रत तो हो रखा है। बस जो मंडे का व्रत होगा ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी मेरे साथ, ये कि कथा का देखना पड़ेगा मुझे कैसे कैसे मैनेज करूँगी मैं उस दिन वापसी में। तो देखूँगी, टाइमली आ गए तो कथा घर पर करूँगी, नहीं आए तो मेरा पूरा प्लान है कि मैं रानी सती दादी के मंदिर भी जाऊँगी और वहाँ पर अपना चौथ माता का उद्यापन करूँगी। अगर वहाँ किया तो वहाँ का आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल भी मेरे व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे व्लॉग्स हैं वो आप देख पाएँ, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।